क्वेश्चन नंबर 8, हमें इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को। इसे आप तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, और ये फॉर्मूला नया तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में, अगर आपने चैप्टर 2 की वीडियोस ना देखी हो तो सर्च कर लेना एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसके बारे में, फॉर्मूला के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, सब बता रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, है ना, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ये आया कहाँ से बताता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से आया, इस फॉर्मूले से आया। आराम से वीडियो पॉज करके देख लो इस फॉर्मूले को। इसकी बात करते हैं, इसको हम लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x है तो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। डी एक्स, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, लेकिन स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे, तो टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 आएगा। डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, टेन का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, सिंपल सी बात, होता किसका है, sec स्क्वायर का और cosec स्क्वायर का, इनका ही होता है इंटीग्रेशन। तो चेंज कर लो इसे किस में, sec में कर लो, क्योंकि sec का तो होता है और आराम से चेंज हो जाएगा, मानते हो इस बात को, है ना, सही बोल रहा हूँ। तो करते हैं इसे चेंज, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बात तो हमें अच्छे से पता है, यहाँ लिख दूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा आएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं sec स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लो आप आराम से, अब तो आप भी कर सकते हो, मार्कर कहाँ गया, सही, ठीक है। इसे करने पे क्या मिलेगा हमें, टेन एक्स है ना, तो यहाँ पे टेन एक्स बाय 2 है, तो एक्स बाय 2 लिख दो, फिर एक्स बाय 2 करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाय 2 मिलेगा, तो डिवाइड में 1 बाय 2। आप चाहो तो इसे टी लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन आप शॉर्टकट में कर लिया करो। माइनस का 1 है, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमें x मिलेगा, प्लस का c, ये हमारा आंसर आ गया है। आप चाहो तो इस 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे, x बाय 2 माइनस x प्लस c, ओके। इतना करना था और आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद कर लो इसे, ठीक।